इसी बार आज के ही दिन केवड़िया में आपसे पहले वाले ऑफिसर्स ट्रेनिंग के साथ मेरी बड़ी विस्तार से बातचीत हुई थी और तय यही हुआ था कि प्रति वर्ष इस विशेष आयोजन आरंभ के लिए यही सरदार पटेल का जो स्टैच्यू है, मां नर्मदा का तट है, वहीं पर हम मिलेंगे और साथ रह करके हम सब चिंतन मनन करेंगे और प्रारंभिक अवस्था में ही हम अपने विचारों को एक शेप देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कोरोना की वजह से इस बार ये संभव नहीं हो पाया है। इस बार आप सब मसूरी में हैं, वर्चुअल तरीके से जुड़े हुए हैं। इस व्यवस्था से जुड़े सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जैसे ही कोरोना का प्रभाव और कम हो, मैं सभी अधिकारियों से भी कह करके रखता हूं कि आप जरूर सभी एक साथ एक छोटा सा कैंप यहीं सरदार पटेल की इस भव्य प्रतिमा के सानिध्य में लगाइए, कुछ समय यहां बिताइए और भारत के इस अनोखे शहर को, यानी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे डेवलप हो रहा है, उसको भी आप जरूर अनुभव करें। साथियों, एक साल पहले जो स्थितियां थी, आज जो स्थितियां हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। मुझे विश्वास है कि संकट के इस समय में देश ने जिस तरह काम किया, देश की व्यवस्थाओं ने जिस तरह काम किया, उससे आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने सिर्फ देखा नहीं होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो आपको भी बहुत कुछ आत्मसात करने जैसा लगा होगा। कोरोना से लड़ाई के लिए अनेकों ऐसी चीजें जिनके लिए देश दूसरों पर निर्भर था, आज भारत उनमें से कई को निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। संकल्प से सिद्धि का यह बहुत ही शानदार उदाहरण है। साथियों, आज भारत की विकास यात्रा के जिस महत्वपूर्ण कालखंड में आप हैं, जिस समय आप सिविल सेवा में आए हैं, वो बहुत विशेष है। आपका बैच जब काम करना शुरू करेगा, जब आप सही मायने में फील्ड में जाना शुरू करेंगे, तो आप वो समय होगा जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष में होगा। ये बड़ा माइलस्टोन है, यानी आपकी इस व्यवस्था में प्रवेश और भारत का 75वां आजादी का पर्व। और साथियों, आप ही वो ऑफिसर्स हैं, इस बात को मेरी भूलना मत। आज हो सके तो रूम में जाकर के डायरी में लिख दीजिए, साथियों आप ही वो ऑफिसर्स हैं जो उस समय में भी देश सेवा में होंगे, अपने कैरियर के, अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में होंगे जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है और आप वो भाग्यशाली पीढ़ी हो, आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में सबसे अहम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। अगले 25 वर्षों में देश की रक्षा, सुरक्षा, गरीबों का कल्याण, किसानों का कल्याण, महिलाओं, नौजवानों का हित, वैश्विक स्तर पर भारत का एक उचित स्थान, बहुत बड़ा दायित्व आप लोगों पर है। हम में से अनेकों लोग तब आपके बीच नहीं होंगे, लेकिन आप रहेंगे, आपके संकल्प रहेंगे, आपके संकल्पों की सिद्धि रहेगी। और इसलिए
आज के इस पावन दिन आपको अपने से बहुत सारे वायदे करने हैं, मुझे नहीं खुद से, वो वायदे जिनके साक्षी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे, आपकी आत्मा होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आज की रात सोने से पहले खुद को आधा घंटा जरूर दीजिएगा, मन में जो चल रहा है, जो अपने कर्तव्य, अपने दायित्व, अपने प्रण के बारे में आप सोच रहे हैं, वो लिख करके रख लीजिएगा। साथियों, जिस कागज पर आप अपने संकल्प लिखेंगे, जिस कागज पर आप अपने सपनों को शब्द दे देंगे, कागज का वो टुकड़ा सिर्फ कागज का नहीं होगा, आपके दिल का एक टुकड़ा होगा। ये टुकड़ा जीवन भर आपके संकल्पों को साकार करने के लिए आपके हृदय की धड़कन बनकर आपके साथ रहेगा। जैसे आपका हृदय शरीर में निरंतर प्रवाह लाता है, वैसे ही ये कागज पे लिखे गए हर शब्द आपके जीवन संकल्पों को, उसका प्रवाह को निरंतर गति दे रहेंगे। हर सपने को संकल्प और संकल्प से सिद्धि के प्रवाह में आगे लेते चलेंगे। फिर आपको किसी प्रेरणा, किसी सिख की जरूरत नहीं होगी। ये आप ही का लिखा हुआ कागज, आपके हृदय भाव से प्रकट हुए शब्द, आपके मन मंदिर से निकली हुई एक एक बात आपको आज के दिन की याद दिलाता रहेगा, आपके संकल्पों को याद दिलाता रहेगा। साथियों, एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही देश की सिविल सेवा के जनक थे। 21 अप्रैल 1947 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को देश का स्टील फ्रेम कहा था। उन अफसरों को सरदार साहब की सलाह थी कि देश के नागरिकों की सेवा अब आपका सर्वोच्च कर्तव्य है। मेरा भी यही आग्रह है कि सिविल सर्वेंट जो भी निर्णय ले, वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, देश की एकता अखंडता को मजबूत करने वाले हो, संविधान के स्पिरिट को बनाए रखने वाले हो। आपका क्षेत्र भले ही छोटा हो, आप जिस विभाग को संभालें उसका दायरा भले ही कम हो, लेकिन फैसलों में हमेशा देश का हित, लोगों का हित होना चाहिए, एक नेशनल पर्सपेक्टिव होना चाहिए। साथियों, स्टील फ्रेम का काम सिर्फ आधार देना, सिर्फ चली आ रही व्यवस्थाओं को संभालना ही नहीं होता है। स्टील फ्रेम का काम देश को यह एहसास दिलाना भी होता है कि बड़े से बड़ा संकट हो या फिर बड़े से बड़े बदलाव, आप एक ताकत बनकर देश को आगे बढ़ाने में अपना दायित्व निभाएंगे। आप एक फैसिलिटेटर की तरह सफलतापूर्वक अपने दायित्वों को पूरा करेंगे। फील्ड में जाने के बाद, तरह तरह के लोगों से गिरने के बाद, आपको अपनी इस भूमिका को निरंतर स्मरण रखना है। भूलने की गलती कभी मत करना। आपको ये भी याद रखना है कि फ्रेम कोई भी हो, गाड़ी का, चश्मे का या किसी तस्वीर का, जब वो एकजुट रहता है तभी सार्थक हो पाता है। आप जिस स्टील फ्रेम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
उसका भी ज्यादा प्रभाव तभी होगा जब आप टीम में रहेंगे, टीम की तरह काम करेंगे। आगे जाकर आपको पूरे पूरे जिले संभालने हैं, अलग अलग विभागों का नेतृत्व करना है। भविष्य में आप ऐसे फैसले भी लेंगे जिनका प्रभाव पूरे राज्य पर होगा, पूरे देश में होगा। उस समय आपकी ये टीम भावना आपके और ज्यादा काम आने वाली है। जब आप अपने व्यक्तिगत संकल्पों के साथ देश हित के बृहद लक्ष्य को जोड़ लेंगे, भले ही किसी भी सर्विस के हो, एक टीम की तरह पूरी ताकत लगा देंगे, तो आप भी सफल होंगे। और मैं विश्वास से कहता हूं, देश भी कभी विफल नहीं होगा। साथियों, सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। उनका यह सपना आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ था। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी जो हमें सबसे बड़ा सबक मिला है वो आत्मनिर्भरता का ही है। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना, आत्मनिर्भर भारत की भावना एक नवीन भारत का निर्माण होते हुए देख रही है। नवीन होने के कई अर्थ हो सकते हैं, कई भाव हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए नवीन का अर्थ यही नहीं है कि आप केवल पुराने को हटा दें और कुछ नया ले आए। मेरे लिए नवीन का अर्थ है कायाकल्प करना, क्रिएटिव होना, फ्रेश होना, एनर्जेटिक होना। मेरे लिए नवीन होने का अर्थ है जो पुराना है उसे और अधिक प्रासंगिक बनाना, जो कालबाह्य है उसे छोड़ते चले जाना। छोड़ने के लिए भी साहस लगता है, और इसलिए आज नवीन, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्या जरूरतें हैं, वो आपके माध्यम से कैसे पूरी होगी, इस पर आपको निरंतर मंथन करना होगा। साथियों, ये बात सही है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है, रिसोर्सेज और फाइनेंसेज की जरूरत है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इस विजन को पूरा करने के लिए एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आपका रोल क्या होगा। जन आकांक्षाओं की पूर्ति में अपने काम की क्वालिटी में, स्पीड में आपको देश के इस लक्ष्य का 2400 घंटे ध्यान रखना होगा। साथियों, देश में नए परिवर्तन के लिए, नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए मार्ग और नए तौर तरीके अपनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका ट्रेनिंग की होती है, स्किल सेट के डेवलपमेंट की होती है। पहले के समय इस पर बहुत जोर नहीं रहता था। ट्रेनिंग में आधुनिक अप्रोच कैसे आए, इस बारे में बहुत सोचा नहीं गया, लेकिन अब देश में ह्यूमन रिसोर्स की सही और आधुनिक ट्रेनिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। आपने खुद भी देखा है कि कैसे बीते 2-3 वर्षों में ही सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग का स्वरूप बहुत बदल गया है। ये आरंभ सिर्फ आरंभ नहीं है, एक प्रतीक भी है और एक नई परंपरा भी है। ऐसे ही सरकार ने कुछ दिन पहले एक और अभियान शुरू किया है, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में अपनी तरह का एक नया प्रयोग है। इस मिशन के जरिए
सरकारी कर्मचारियों को उनकी सोच अप्रोच को आधुनिक बनाना है, उनका स्किल सेट सुधारना है, उन्हें कर्मयोगी बनने का अवसर देना है। साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः, अर्थात यज्ञ यानी सेवा के अलावा स्वार्थ के लिए किए गए काम कर्तव्य नहीं होते, वो उल्टा हमें ही बांधने वाला काम होता है। कर्म वही है जो एक बड़े विजन के साथ किया जाए, एक बड़े लक्ष्य के लिए किया जाए। इसी कर्म का कर्मयोगी हम सबको बनना है, मुझे भी बनना है, आपको भी बनना है, हम सबको बनना है। साथियों, आप सभी जिस बड़े और लंबे सफर पर निकल रहे हैं उसमें रूल्स का बहुत योगदान है, लेकिन इसके साथ ही आपको रोल पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। रूल एंड रोल लगातार संघर्ष चलेगा, लगातार तनाव आएगा। रूल्स का अपना महत्व है, रोल की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। इन दोनों का बैलेंस, यही तो आपके लिए टाइट रोप पर चलने वाला खेल है। बीते कुछ समय से सरकार ने भी रोल बेस्ड अप्रोच पर काफी जोर दिया है, इसके नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं। पहला, सिविल सर्विसेज में कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी, उसके क्रिएशन के लिए नया आर्किटेक्चर खड़ा हुआ है। दूसरा, सीखने के तौर तरीके डेमोक्रेटाइज हुए हैं। और तीसरा, हर ऑफिसर के लिए उसकी क्षमता और अपेक्षा के हिसाब से उसका दायित्व भी तय हो रहा है। इस अप्रोच के साथ काम करने के पीछे सोच ये है कि जब आप हर रोल में अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे तो आप अपनी ओवरऑल लाइफ में भी सकारात्मक रहेंगे। यही सकारात्मकता आपकी सफलता के रास्ते खोलेगी, आपको एक कर्मयोगी के रूप में जीवन के संतोष का बहुत बड़ा कारण बनेगी। साथियों, कहा जाता है कि लाइफ एक डायनेमिक सिचुएशन है, गवर्नेंस तो भी तो एक डायनेमिक फिनोमेनन है। इसलिए हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं। एक सिविल सर्वेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप देश के सामान्य मानवीय से निरंतर जुड़े रहें। जब आप लोक से जुड़ेंगे तो लोकतंत्र में काम करना और आसान हो जाएगा। आप लोग फाउंडेशन ट्रेनिंग और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। मेरी फिर आपको सलाह होगी, आप फील्ड में लोगों से जुड़िए, कट ऑफ मत रहिए, दिमाग में कभी बाबू मत आने दीजिए। आप जिस धरती से निकले हो, जिस परिवार समाज से निकले हो, उसको कभी भूलिए मत। समाज से जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए, जुड़ते चलिए, एक प्रकार से समाज जीवन में विलीन हो जाइए। समाज आपकी शक्ति का सहारा बन जाएगा, आपके दो हाथ सहस्त्र बाहु बन जाएंगे। ये सहस्त्र बाहु जनशक्ति होती है, उन्हें समझने की, उनसे सीखने की कोशिश अवश्य करिएगा। मैं अक्सर कहता हूं, सरकार शीर्ष से नहीं चलती है, नीतियां जिस जनता के लिए हैं उनका समावेश बहुत जरूरी है। जनता केवल सरकार की नीतियों की, प्रोग्राम्स की रिसीवर नहीं है, जनता जनार्दन ही
असली ड्राइविंग फोर्स है। इसलिए हमें गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की जरूरत है। साथियों, इस एकेडमी से निकलकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक रास्ता आसानी का, सुविधाओं का, नेम एंड फेम का रास्ता होगा। एक रास्ता होगा जहां चुनौतियां होगी, कठिनाइयां होगी, संघर्ष होगा, समस्याएं होगी, लेकिन मैं अपने अनुभव से मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपको असली कठिनाई तभी होगी जब आप आसान रास्ते पकड़ेंगे। आपने देखा होगा जो सड़क सीधी होती है, कोई मोड़ नहीं होते हैं, वहां सबसे ज्यादा अकस्मात होते हैं। लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी मोड़ वाली सड़क होती है, वहां ड्राइवर बड़ा कॉन्शियस होता है, वहां अकस्मात कम होते हैं। और इसलिए सीधा सरल रास्ता कभी न कभी बहुत बड़ा कठिन बन जाता है। राष्ट्र निर्माण के, आत्मनिर्भर भारत के जिस बड़े लक्ष्य की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें आसान रास्ते मिले ये जरूरी नहीं है। अरे मन में उसकी कामना भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब आप हर चुनौती का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे, लोगों की ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करेंगे, तो इसका लाभ सिर्फ आपको ही नहीं पूरे देश को मिलेगा। और आप ही के नजरों के सामने आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल की यात्रा फलते फूलते हिंदुस्तान को देखने का कालखंड होगा। आज देश जिस मोड़ में काम कर रहा है, उसमें आप सभी ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की ही है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के जीवन में आपका दखल कैसे कम हो, सामान्य मानवीय का सशक्तिकरण कैसे हो। हमारे यहां उपनिषद में कहा गया है, न तत् द्वितीयम् अस्ति, न तत् द्वितीयम् अस्ति, अर्थात कोई दूसरा नहीं है, कोई मुझसे अलग नहीं है। जो भी काम करिए, जिस किसी के लिए भी करिए, अपना समझ कर करिए। और मैं अपने अनुभव से ही कहूंगा कि जब आप अपने विभाग को, सामान्य जनों को अपना परिवार समझकर काम करेंगे, तो आपको कभी थकान नहीं होगी। हमेशा आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। साथियों, फील्ड पोस्टिंग के दौरान हम ये भी देखते हैं कि अफसरों की पहचान इस बात से बनती है कि वो एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, जो चलता रहता है उसमें अलग क्या कर रहा है। आप भी फील्ड में फाइलों से बाहर निकल करके, रूटीन से अलग हटकर, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के लिए जो भी करेंगे, उसका प्रभाव अलग होगा, उसका परिणाम अलग होगा। अगर उदाहरण के तौर पर देखें, आप जिन जिलों में, ब्लॉक्स में काम करेंगे, वहां कई ऐसी चीजें होगी, कई ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें एक ग्लोबल पोटेंशियल होगा, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को, उन आर्ट्स को, उनके आर्टिस्ट को ग्लोबल होने के लिए लोकल सपोर्ट की जरूरत है। यह सपोर्ट आपको ही करना होगा, ये विजन आपको ही देना होगा। इसी तरह आप किसी एक लोकल इनोवेटर की तलाश करके उसके काम में एक साथी की तरह उसकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है आपके सहयोग से वो इनोवेशन समाज के लिए बहुत बड़े योगदान के रूप में सामने आ जाए। वैसे मैं जानता हूं
कि आप सोच रहे होंगे कि सब कर ले कर तो लेंगे लेकिन बीच में ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा। मैंने जो टीम भावना की बात शुरू में की थी ना वो इसीलिए ही थी, अगर आप आज एक जगह हैं कल दूसरी जगह है तो भी उस क्षेत्र में अपने प्रयासों को छोड़िएगा नहीं, अपने लक्ष्यों को भूलिएगा नहीं। आपके बाद जो लोग आने वाले हैं उनको विश्वास में लीजिए, उनका विश्वास बढ़ाइए, उनका हौसला बढ़ाइए, उनको भी जहां है वहां से मदद करते रहिए। आपके सपनों को आपके बाद वाली पीढ़ी भी पूरा करेगी। जो नए अधिकारी आएंगे आप उनको भी अपने लक्ष्यों का साझेदार बना सकते हैं। साथियों, आप जहां भी जाएं, आपको एक और बात ध्यान रखनी है, आप जिस कार्यालय में होंगे उसके बोर्ड में दर्ज आपके कार्यकाल से ही आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए। आपकी पहचान आपके काम से होनी चाहिए। हां, बढ़ती हुई पहचान में आपको मीडिया और सोशल मीडिया भी बहुत आकर्षित करेंगे। काम की वजह से मीडिया में चर्चा होना एक बात है और मीडिया में चर्चा के लिए ही काम करना वो जरा दूसरी बात है। आपको दोनों का फर्क समझ करके आगे बढ़ना है। आपको याद रखना होगा कि सिविल सर्वेंट्स की एक पहचान अनाम रह करके काम करने की रही है। आप पिछले आजादी के बाद के अपने कालखंड के देखिए, जो ओजस्वी तेजस्वी चेहरे कभी कभी हम सुनते हैं अपने पूरे कार्यकाल में अनाम ही रहे हैं, कोई नाम नहीं जानता था। रिटायर होने के बाद किसी ने कुछ लिखा तब पता चला, अच्छा ये बाबू इतना बड़ा देश को देकर के गए हैं। आपके लिए भी वही आदर्श है। आपसे पहले के चार पांच दशकों में जो आपके सीनियर्स रहे उन्होंने इसका बहुत अनुशासन के साथ पालन किया है। आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। साथियों, मैं जब मेरे नौजवान राजनीतिक साथी जो हमारे विधायक है हमारे सांसद है उनसे मिलता हूं तो मैं बातों बातों में जरूर कहता हूं और मैं कहता हूं कि दिखास और छपास ये दो रोग से दूर रहिएगा। मैं आपको भी यही कहूंगा कि दिखास और छपास, टीवी पे दिखना और अखबार में छपना, दिखास और छपास, ये दिखास और छपास का रोग जिसे लगा फिर आप वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो लेकर आप सिविल सेवा में आए हैं। साथियों, मुझे भरोसा है आप सब अपनी सेवा से अपने समर्पण से देश की विकास यात्रा में देश को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को एक काम देना चाहता हूं। आप करेंगे? सब हाथ ऊपर करें तो मैं मानूंगा कि आप करेंगे। सबके सबके हाथ ऊपर होंगे क्या? करेंगे? अच्छा, सुन लीजिए। आपको भी वोकल फॉर लोकल अच्छा लगता होगा सुनना, लगता है ना? पक्का लगता होगा। आप एक काम करेंगे, आने वाले दो चार दिन में आप अपने पास जो चीजें हैं जो रोजमर्रा के उपयोग में है उसमें कितनी चीजें वो हैं जो भारतीय बनावट की है, जिसमें भारत के नागरिक के पसीने की महक है, जिसमें भारत के नौजवान की टैलेंट दिखती है, उस सामान का जरा एक सूची बनाइए। और दूसरी वो सूची बनाइए कि आपके जूतों से लेकर के सर के बाल तक क्या 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 विदेशी चीजें आपके कमरे में हैं, आपकी बैग में हैं, क्या क्या आप उपयोग करते हैं, जरा देखिए। और मन में तय कीजिए कि ये जो बिल्कुल अनिवार्य है, जो भारत में आज उपलब्ध नहीं है, संभव नहीं है, जिसको रखना पड़े मैं मान सकता हूं, लेकिन ये 50 में से 30 चीजें ऐसी हैं वो तो मेरे लोकल अवेलेबल है, हो सकता है कि मैं उसके प्रचार के प्रभाव में नहीं आया हूं, मैं उसमें से कितना कम कर सकता हूं,
देखिए, आत्मनिर्भर की शुरुआत आत्म से होनी चाहिए। आप वोकल फॉर लोकल क्या शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, जिस संस्था का नाम लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ा हुआ है, उस पूरे कैंपस में भी, आपके कमरों में, आपके ऑडिटोरियम के, आपके क्लासरूम में, हर जगह पे कितनी चीजें विदेशी हैं, जरूर सूची बनाइए। और आप सोचिए कि हम जो देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, जहां से देश को आगे बढ़ाने वाली एक पूरी पीढ़ी तैयार होती है, जहां बीज धारण किया जाता है, क्या उस जगह पर भी वोकल फॉर लोकल ये हमारी जीवनचर्या का हिस्सा है कि नहीं है। आप देखिए, आपको मजा आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं आपके साथी को भी, आप ये रहस्य खोलिए, खुद के लिए है। आपको देखिए, आपने बिना कारण ऐसी ऐसी चीजें आपके पास पड़ी होगी जो हिंदुस्तान की होने के बाद भी आपने बाहर की ले ली है, आपको पता भी नहीं है बाहर की है। देखिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब ने आत्म से शुरू कर करके देश को आत्मनिर्भर बनाना है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, देश को आजादी के 100 साल, आजादी के 100 साल के सपने, आजादी के 100 साल के संकल्प, आजादी की आने वाली पीढ़ियां, उनको आपके हाथ में देश सुपुर्द कर रहा है। देश आपके हाथ में आने वाले 25-35 साल आपको सुपुर्द कर रहा है। इतनी बड़ी भेंट आपको मिल रही है, आप उसको बड़ी जीवन का एक अहोभाग्य मान करके अपने हाथ में लीजिए, अपने कर कमलों में लीजिए, कर्मयोगी का भाव जगाइए, कर्मयोग के रास्ते पर चलने के लिए आप आगे बढ़िए। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं प्रति पल आपके साथ हूं, मैं पल पल आपके साथ हूं। जब भी जरूरत पड़े आप मेरा दरवाजा खटखटा सकते हैं। जब तक मैं हूं, जहां भी हूं, मैं आपका दोस्त हूं, आपका साथी हूं। हम सब मिलकर के आजादी के 100 साल के सपने साकार करने का अभी से काम प्रारंभ करें। आइए, हम सब आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी इंस्पिरेशनल स्पीच के साथ हम लाल बहादुर शास्त्री में पूर्णतः लोकल प्रोडक्ट्स, वोकल फॉर लोकल को लाल बहादुर शास्त्री से ही उसकी